हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसे कट करते हैं, स्टिच करते हैं। तो ये मैंने जो बनाया है वो ब्लाउज़ है और ये डिज़ाइन मैंने जहाँ देखी थी वो है। तो ये मैंने पहना हुआ है, देख सकते हैं कैसा दिखता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो हमारा ब्लाउज़ मेन फैब्रिक होता है उसका नेक और जो बैक का बॉटम होता है वो फिनिशिंग कर लिया है। बस उसमें मुझे डार्ट डालने हैं और ये डिज़ाइन बनानी है। तो ऐसे बैक जो पार्ट है उसको मैंने बीच से फोल्ड करके एक मिडल लाइन ले ली है। आप चाहे तो प्रेस करके भी ले सकते हो। और ये जो सर्कल है मैंने जो एम्ब्रॉयडरी ड्रॉ की थी, ये देखिए मेरा प्लेन फैब्रिक है तो मैंने सोचा कि कुछ एम्ब्रॉयडरी करके वो पैच में बनाऊं। तो मैंने एम्ब्रॉयडरी खुद से ये डिज़ाइन रेडी किया और उसको एम्ब्रॉयडरी किया है। अब ये जो पेपर कैनवास है उसके ऊपर मैंने ये जो सर्कल है वही साइज़ का पेपर कैनवास फ्यूजिबल है उसको कट कर लिया है। तो ये जो है एम्ब्रॉयडरी का जो पैच है उसके नीचे हम इसको पेस्ट करेंगे ताकि जो उसका स्टीफनेस है वो अच्छे से मेंटेन हो। तो इसको मैं सबसे पहले ये फैब्रिक का जो लाइनिंग है उसके ऊपर पेस्ट करूँगी और उसके ऊपर ये फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी वाला है उसको रख के फिर उसके ऊपर मैं एक स्टिच लगा दूँगी। और ये मैं पाइपिंग करने वाली हूँ ये कलर से। और ये एक और पीस है पेपर कैनवास का, तो उसको मैंने हाफ़ फोल्ड किया है और वो जो एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन है वो सर्कल को भी मैंने हाफ़ फोल्ड किया है। अब वो जो भी हाफ़ फोल्ड किया है उसको एग्ज़िट मार्क करेंगे हाफ सर्कल को। और वो लाइन से हम 0.75 इंच मतलब पौना इंच छोड़ के एक लाइन बनाएंगे। आप चाहे तो एक इंच भी छोड़ सकते हो, वो जो पौना इंच है उतना हमारा गैपिंग रहेगा। अगर आपको ज़्यादा गैपिंग चाहिए सर्कल और जो बीच में जो एक गैप है उसके डिज़ाइन के लिए, तो आप एक इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने पौना इंच लिया है तो उसको भी हम अच्छे से एक फिनिशिंग वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये पौने इंच वाली लाइन हो गई और अब इसके ऊपर हम आधा इंच पे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने पौना इंच वाली लाइन ड्रॉ की थी वैसे ही आधा इंच वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपको आधा इंच ही लेना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं लेना है। तो इसको भी हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो लाइन है उसको हम कट करेंगे। पहले ये जो मिडल वाली लाइन है उसको कट करेंगे और फिर उसके बाद जो हमने लास्ट वाली लाइन ड्रॉ की थी उसको कट करेंगे। तो ये जो सर्कल निकला उसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको जो मेन सर्कल का फिनिशिंग देना है उसके लिए हमने ये कटआउट लिया है। तो ये भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमने हाफ फोल्ड किया था तो हाफ सर्कल कट किया था तो ये डबल हो जाएगा, मतलब फुल सर्कल बन जाएगा। उसको हम खोल लेंगे और इसको भी हम फैब्रिक पे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए ऐसे कुछ डिज़ाइन बनेगी। ये जो सर्कल है अंदर वाला जो पहले हमने कट किया था वो है। अब ये सर्कल को हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे प्रेस की मदद से। तो आइए मैं दिखाती हूँ इसको पूरा फिनिशिंग कैसे करते हैं। ये जो हाफ सर्कल है इसको हम इसके ऊपर रख के, ये आप थोड़ा देख लेना कि सर्कल कहाँ पे है, वहाँ पे हमको स्टिच करना है। और ये जो हाफ सर्कल है उसके ऊपर हमें बाहर की साइड पे फिनिशिंग देना है, जस्ट एक स्टिच लगाना है ताकि उसका फिनिशिंग आ जाए।
अंदर की साइड को अभी कुछ नहीं करना है, तो ये पूरा फिनिशिंग करके मैं दिखाती हूँ। ये जो हमने मिडल लाइन लिया था तो उसके ऊपर, और ये जो सर्कल का मिडल है वो हम एक साथ रखेंगे, और इसको पिनअप कर देंगे ताकि जो फिनिशिंग है स्टिच करना है वो एक जैसा ही आए, वो आगे पीछे ना हो जाए। पहले आपको बाहर की साइड फिनिशिंग करना है, फिर अंदर की साइड को ब्लाउज के ऊपर स्टिच करना है। ये देखिए मैंने फिनिशिंग कर दिया, अब ब्लाउज के ऊपर मैं अंदर की साइड को स्टिच कर रही हूँ, और ये जो सर्कल है उसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं ये पाइपिंग लगा रही हूँ। तो जो ये पाइपिंग के लिए मैंने ग्रीन फैब्रिक लिया है वो क्रॉस है, मतलब डायगोनली जो हम कट करते हैं बायस टेप, वैसे मैंने कट किया है। तो देख सकते हैं आप, ऐसे मैंने उसको पाइपिंग दे दिया है। उसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर देंगे ऐसे, और ऊपर एक स्टिच लगा देंगे जो दिखे ना। ये देखिए पीछे की साइड है और ये आगे की साइड है, और एक बार ये स्टिच हो जाए फिर उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब ये सब पिन निकाल के मैं ये जो अंदर की साइड है उसको मैं कट कर लूँगी। तो ये मैंने उसको फैब्रिक, जो सर्कल है उसको फैब्रिक के साथ मैंने स्टिच कर लिया है। इसको हम आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के कट कर लेंगे, और ऐसे छोटे छोटे नॉचिस लगा देंगे, क्योंकि ये सर्कल है तो उसको जब हम अंदर की साइड पे टर्न करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अगर आप नॉचिस नहीं बनाएंगे तो वो थोड़ा क्रॉस टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो बेटर है कि आप उसमें छोटे छोटे नॉचिस लगा दें। तो ये मैंने अंदर की साइड पे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है, और इसको भी हम ये पूरा गोल जैसे हमने इसमें पाइपिंग की है वैसे इसमें भी पाइपिंग कर लेंगे। और ये पीछे की साइड पे हाथ से मैं फिनिशिंग कर दूंगी, आप चाहे तो मशीन से भी कर सकते हो, मुझे हाथ से जो फिनिशिंग आता है वो अच्छा लगता है। मैंने और भी ब्लाउज़ कटिंग के वीडियो डाले हुए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। अब ये जो है यहाँ पे मैं बीड्स लगाने वाली हूँ, आप चाहे तो ऐसे फैब्रिक की छोटी छोटी डोरी बना के भी अटैच कर सकते हो, पर मुझे यहाँ पे बीड्स चाहिए। आप चाहे तो मैचिंग के बीड्स लगा सकते हो या गोल्डन बीड्स भी लगा सकते हो। तो ऐसे पूरा आपको डोरी लगाना है या फिर बीड्स लगाना है। तो ये देखिए मैंने फिनिशिंग दे दिया है पाइपिंग का, और ये एम्ब्रॉयडरी के पेज का भी मैंने फिनिशिंग दे दिया है। अब ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई है उसको हमें देखना है कि सीधा आए, नहीं तो क्या होगा कि वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और जब हम पहनेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये देखिए ये डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो बीच का गैप है वो मैं बीड्स से अटैच कर रही हूँ। ये पूरा मैंने एम्ब्रॉयडरी पैच हाथ से किया है। ये देखिए पूरा हो गया है मेरा। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है कि कहाँ कहाँ पे मुझे बीड्स अटैच करने हैं। तो आप जो अंदर का सर्कल है और बाहर का सर्कल है वो मैच करते हुए मार्किंग करें। तो यहाँ पे मैं पहले बीड्स ले लूँगी। यहाँ पे अंदर की साइड से मैंने थ्रेड डाला है, और अंदर यहाँ पे मैं मैच कर रही हूँ कि इसके साथ पे कौन सा मार्किंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिज़ाइन को भी अच्छे से सेट करना है। तो मैं पहले चेक करूँगी कि मुझे कितने बीड्स लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने करीब 8 या 9 बीड्स डाले हैं, तो ये 2 ज़्यादा है। आप देख सकते, आपको ये देखना है कि चारों साइड पे एक ही जैसी गैपिंग आए, नहीं तो एक साइड पे ज़्यादा हो जाएगी एक साइड पे कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने देख लिया कि मुझे कितने बीट्स
चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं पीछे की साइड पे नॉट लगा रही हूँ और ऐसे ही मैं यहाँ पे मैंने 8 बीड्स यूज़ किए हैं। आपने जितना गैपिंग छोड़ा होगा उसके हिसाब से आपको बीड्स लगेंगे। यहाँ पे ये बहुत छोटे से है तो मैंने ज़्यादा यूज़ किए हैं। अगर आप बड़े यूज़ कर रहे हो मोती तो आपको शायद 3 या 4 लगेंगे। तो ऐसे ही मैं पूरा सर्कल फिनिश कर दूँगी। आपने जहाँ पे मार्किंग लगाया है वहीं पे मैच करना है। ये देखिए, ये पहन के कुछ ऐसा दिखेगा। जब भी आप पीछे की साइड पे थ्रेड निकालते हो तो एक नॉट ज़रूर लगा दें। यहाँ पे मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं एक ही अंदर से निकाल के दूसरे मार्किंग से निकाल देती हूँ। तो ये मेरा डिज़ाइन रेडी है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।